भारतीय टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय घरेलू सत्र में तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी लोगों का उन्हें आईपीएल खिलाड़ी मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। चोट से उभरने के बाद पठान ने बड़ौदा और वेस्ट जोन दोनों के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले कुछ समय से सक्रिय होकर खेल रहे थे और वापस आने के बाद सफल रहे हैं। कुछ सालों पहले वो एक चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। उन्होंने लंबे समय बाद मैदान पर वापसी करने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। बकौल पठान, अगर आप हाल ही के समय को देखें, मैं घरेलू सत्र में बहुत सक्रिय और सफल रहा था। चार साल पहले मुझे एक चोट से लड़ना पड़ा और मैं पूरे सत्र से बाहर हो गया। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब आप लंबे समय तक खेलते हैं तो चोटिल होना लाजमी है। बड़ौदा क्रिकेट संघ के साथ मेरा कोई मसला था, लेकिन मैंने उसे हल कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा सत्र खेला है। मैंने वनडे, T20 और रणजी ट्रॉफी आदि में हिस्सा लिया है। मैंने काफी ओवर की गेंदबाजी भी की है। उसके बाद भी मुझे आईपीएल खिलाड़ी करार दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मौजूदा सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट को टीवी पर दिखाया जा रहा है और लोग उनके प्रदर्शन पर नजरें लगाए हुए हैं। इससे उन्हें विश्वास मिलेगा और अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलेगी। एक दशक पहले इरफान पठान भारतीय टीम के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते थे। 2007 के T20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। उसके बाद वो टीम में अंदर बाहर होते रहे हैं और फिटनेस समस्या से भी जूझते रहे हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए आखिरी बार 2012 में किसी मैच में शिरकत की थी। मौजूदा वक्त में भारतीय टीम के घरेलू सत्र में इरफान ने लाजवाब प्रदर्शन किया और सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। NMF News की रिपोर्ट।